हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मम्मी हेल्प। मैं मेघा आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, सर्दियाँ, इस समय जो सर्दियाँ पड़ रही हैं उसमें बच्चों को सर्दी, खांसी, जुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा है। और जो नवजात शिशु हैं उनको सर्दी में कैसे बचाएं या बच्चे का ख्याल कैसे रखें? 1 साल से छोटे बच्चे हैं, चलना नहीं आता है, बहुत जल्दी सर्दी की चपेट में आ जाते हैं, तो जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, तो किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है और वो कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जो आप अपने बच्चे के लिए करें जिससे कि आपके बच्चे को सर्दी, खांसी, जुकाम ना हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस टॉपिक पर पूरी जानकारी लेकर आपके साथ, उम्मीद करूंगी आज का ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सामने दिए गए रेड बटन को जरूर दबाइएगा, साथ ही साथ घंटी का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग घंटी का बटन दबाना भूल जाते हैं जिसके कारण आपको आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सर्दी में क्या होता है कि देखिए, नवजात शिशु होता है तो बच्चे की इम्यूनिटी इतनी वीक होती है कि बच्चे को बहुत जल्दी जल्दी सर्दी, खांसी और जुकाम हो जाता है। बात करें इससे बड़े बच्चे की, अगर उसका मतलब 8 महीने का है, 9 महीने का, 10 महीने का बच्चा है, गुडरिया चलता है या अभी भी चलना सीखा है, तो भी बच्चे को सर्दी, खांसी बहुत जल्दी हो जाती है। माता पिता जिनका पहला बच्चा होता है उनको नहीं समझ आता है कि बच्चे का किस तरीके से ख्याल रखा जाए जिससे कि बच्चे को जुकाम, खांसी से बचाया जा सके। दोस्तों, सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो करनी है कि बच्चे को पैर और सर से सबसे ज्यादा ठंड लगती है, तो बच्चे को पैरों से ठंड नहीं चढ़े इसके लिए आपको क्या करना है, बच्चे को हमेशा सॉक्स पहना कर रखें। अब क्या होता है कि बच्चे शूज वगैरह नहीं पहनते हैं, छोटा अगर बच्चा थोड़ा भी चंचल है तो सबसे पहले अपने स्लीपर्स निकाल कर फेंक देता है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, बच्चे को कम से कम 2 जोड़ी वूलन सॉक्स पहनाकर जरूर रखनी है, क्योंकि सर्दी के मौसम में बच्चे को सबसे ज्यादा ठंड पैरों से चढ़ती है अगर बच्चा पैदल चलना सीख गया है तो। छोटा बच्चा है, रजाई के अंदर लेटा है, 2-3 महीने का है, नवजात शिशु है, तो आप 1 जोड़ी सॉक्स पहनाए, लेकिन अगर उससे बड़ा बच्चा है, चलना सीखा है अभी अभी, तो कम से कम 2 जोड़ी सॉक्स बच्चे को जरूर पहना कर रखें। कोशिश करें बच्चे का सर उघड़ा हुआ नहीं रहे। मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, जब आप बच्चे को रात को सुलाते हैं ना, सोते समय भी बच्चे के कानों में अगर हवा लगती रहती है तो उसके कारण भी, चाहे बच्चा कितना भी आपने ढकाकर सुलाया हो तो भी बच्चे के सर में ठंड लग जाती है। अगर वूलन कैप बच्चा नहीं पहन पाता है तो कॉटन की कैप बच्चे को पहनाएं, कॉटन का कपड़ा भी गर्म रहता है, तो बच्चे को थोड़ी सी कॉटन की कैप ही पहना, जिससे कि डायरेक्ट हवा बच्चे के कान में ना जाए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज क्या आपको ध्यान रखनी है कि अगर बच्चे को सर्दी, खांसी, जुकाम की समस्या हो गई है तो विक्स बच्चे के तलवों में जरूर लगाएं। अगर विक्स को बच्चे के तलवों में आप लगाते हैं तो पैरों में गर्मी बनी रहती है बच्चे के, जिससे कि बच्चे के सीने में कफ जमने जैसी समस्या जो होती है ना, लगातार बच्चे को जुकाम होता है, तो वो बच्चे को जुकाम नहीं होगा। रात को जब भी आपका बच्चा सोता है तो बच्चे के तलवों पे विक्स लगाएं, सॉक्स पहना दें और फिर बच्चे को सुलाएं। ये जो बहुत ज्यादा ठंड जनवरी के महीने में पड़ती है ना, इससे बच्चे, अगर आपके बच्चे रहेंगे तो फैब में मौसम बहुत अच्छा हो जाता है, तो बच्चे का इम्यूनिटी थोड़ा ठीक होता है तो बच्चा सही रहता है। तीसरी चीज क्या आपको करनी है कि बच्चे की छाती पर सरसों के तेल में अजवाइन या फिर लहसुन पकाकर जरूर लगाएं। अजवाइन का तेल लगाते हैं तो थोड़ी स्मेल कम आती है, क्योंकि अभी सर्दी के मौसम में डेली बच्चे को नहलाना भी जरूरी नहीं होता है, क्योंकि अभी क्या है कि कई कई दिन धूप भी नहीं निकलती है, तो ऐसे में अगर बच्चे को आप डेली नहलाते हैं तो नहलाने से बच्चे बीमार नहीं होते हैं, लेकिन क्या होता है कि बच्चे की इम्यूनिटी अगर वीक है, आपका बच्चा बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है, तो जैसे आप बच्चे के कपड़े निकालते हैं नहलाने के लिए लेकर जाते हैं, नहलाकर गर्म पानी में फिर लेकर आते हैं, कपड़े पहनाते हैं, तो उतनी देर में जब बच्चे को हवा लगती है ना, उस हवा लगने से आपके बच्चे को जुकाम, खांसी हो जाता है। तो आप 1-2 दिन छोड़ के बच्चे को नहला सकते हैं, इतने बच्चे का स्पंज करके कपड़े चेंज कीजिए रोज, तो ये भी आप कीजिए। और बच्चे की छाती पर सरसों के तेल, जिसे हम मस्टर्ड ऑयल भी कहते हैं, कड़वा तेल भी बोला जाता है, और अपने इधर यूपी में तो उसमें सारी सब्जियां, खाना उसी में बनाया जाता है, तो सरसों के तेल में आप 1/2 चम्मच अजवाइन पकाएं, गुनगुना रहे तो बच्चे की छाती पर लगाएं, इसे एक बोतल में भरकर रख लीजिए छान कर, डेली थोड़ा सा लीजिए, गर्म कीजिए, गुनगुना अपने हाथ पर लगाकर देख लीजिए और फिर बच्चे की छाती और कमर पर अच्छे से इसकी मसाज कीजिए।
चाहते हैं कि कपड़ों पर ऑयल ना लगे तो रुई होती है ना कॉटन, उसका पतला सा लेयर बच्चे की छाती पर लगाएं। इससे क्या होगा, जमा हुआ कफ भी बच्चे का निकल जाएगा, बच्चे को गर्मी बनी रहेगी और बच्चे को सर्दी खांसी की समस्या भी नहीं होगी। ये भी आप कर सकते हैं। अब बात करती हूँ गुड़ या शक्कर की। जो सर्दी के मौसम में गुड़ बहुत ज्यादा आता है, चीनी आप सभी जानते हैं वैसे तो सेहत के लिए हानिकारक होती है। गुड़ या शक्कर, शक्कर गुड़ जैसा ही होता है और जो पाउडर फॉर्म होता है गुड़ का उसको हम शक्कर कहते हैं। तो जब भी अगर आपका बच्चा 1 साल से बड़ा है तो आप क्या कीजिए, दूध जब भी आप बच्चे को देते हैं, मान ले 3 समय बच्चे को दूध देते हैं, तो उसमें थोड़ा थोड़ा सा शक्कर मिलाइए, चीनी की जगह शक्कर नहीं है गुड़ मिलाइए, मिक्स कीजिए, बच्चे को दे दीजिए। गुड़ डालकर पकाना नहीं है, अगर गुड़ डालकर आप पकाएंगे तो दूध फट जाएगा। जब आप दूध को गर्म कर लें फिर उसमें गुड़ या शक्कर जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको मिलाइए, उसको मिक्स कीजिए और बच्चे को पिला दीजिए। एक तो दोस्तों गुड़ बहुत सारी चीजों से भरपूर होता है, और क्या होता है कि ये गर्म होता है तासीर में, तो सर्दी खांसी की जो समस्या बच्चे को होती है उसमें बहुत फायदा करता है। बच्चे के शरीर के टेम्परेचर को बनाए रखता है, बच्चे के शरीर को गर्म रखता है, तो इसके कारण आपके बच्चे को सर्दी खांसी की समस्या बिल्कुल भी नहीं होती है। आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि बच्चे की मालिश सर्दी में करें या नहीं करें। देखिए सर्दी के मौसम में बच्चे की मालिश करना बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन क्या होता है कि या तो धूप नहीं निकल रही, आप धूप में लिटाकर बच्चे की मालिश कर सकते हैं, या फिर रूम हीटर के सामने, रूम में रूम हीटर चलाइए, उसके सामने बच्चे को लिटाइए ढककर थोड़ा सा। अगर आप बच्चे की अपर बॉडी का मसाज कर रहे हैं तो लोअर बॉडी को ढककर रखिए, ऐसा नहीं है गर्मी की तरह आप बच्चे को नंगा किया और मालिश करना स्टार्ट कर दिया, नहीं दोस्तों। अगर आप बच्चे के पैरों की मालिश कर रहे हैं तो ऊपर के कपड़े ना निकालें और केवल पैरों की अच्छे से मालिश करें, और अगर आप बच्चे के अपर बॉडी की मालिश कर रहे हैं तो नीचे पजामे वगैरह बच्चे को पहनाए रखें। मालिश करना बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद होता है, सर्दी के मौसम में बच्चे को गर्मी देता है, बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, सर्दी में बच्चे की स्किन रूखी हो जाती है तो रूखी स्किन को सही रखता है। तो मालिश तो बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन ध्यान रखना है कुछ चीजों का, क्योंकि क्या होता है दोस्तों छोटे छोटा सा चीजें हम लोग ध्यान नहीं देते हैं तो उसके कारण बच्चे को सर्दी खांसी बहुत जल्दी लग जाती है और वो बच्चे को बहुत लंबे समय तक परेशान करती है। अब बताती हूँ कि अगर आपके बच्चे को सर्दी खांसी हो गई है तो आप स्टीम देना बच्चे को ना भूले। आप जब एक छोटे छोटे स्टीमर आजकल ऑनलाइन बहुत इजीली 200-300 रुपए में अवेलेबल हो जाते हैं, आप बच्चे को 2 से 3 बार स्टीम जरूर दें, और बच्चे को अगर बहुत ज्यादा जुकाम है तो उसके अंदर विक्स जरूर डाल लें, क्योंकि सर्दी खांसी जुकाम अगर बच्चे को ज्यादा होगा तो फीवर गारंटी है बच्चे को बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इन सब चीजों से बचाने के लिए कोशिश करें कि आपके बच्चे को सर्दी खांसी की समस्या ना हो। बच्चे को अगर धूप नहीं है, बहुत ज्यादा ठंडा मौसम है बाहर, तो बाहर खेलने से भी रोकें, क्योंकि ये मौसम बच्चे को काफी नुकसान दे रहा है। आजकल अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो सब जगह सुनने को मिलता है कि उसके बच्चे को फीवर है, खांसी जुकाम है, तो ऐसे मौसम बच्चे को ज्यादा आजकल नुकसान दे रहा है, तो ऐसे मौसम में अपने बच्चे को बाहर निकालने से भी मना करें, क्योंकि सर्दी खांसी की समस्या आजकल बहुत कोविड की वजह से भी बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो चुकी है, क्योंकि आप बच्चे को दिखाने हॉस्पिटल्स नहीं ले जा सकते, वायरस बहुत ज्यादा है। तो इस चीज को देखते हुए अपने बच्चे का घर पर ही बहुत अधिक ख्याल रखें, और सब चीजें ठीक हो जाएंगी तो बच्चे फिर से बहुत ही हेल्दी भी रहेंगे और खुश भी रहेंगे और खेलेंगे भी बहुत। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।